रेगो में डिप्लोमा ऑल इन क्लासेस। आज हम सीखेंगे स्पिगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट बनाना। जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर तीन पार्ट दिए गए हैं जॉइंट के। ये वाला पार्ट है हमारा सॉकेट और ये पार्ट कहलाता है स्पिगॉट और ये हमारा क्वार्टर है। इन तीनों को यहाँ पर असेंबल करना है। इसके बाद इसको जो है क्वेश्चन में दिया गया है लोअर हाफ इन सेक्शन, यहाँ पर हमको लोअर हाफ इन सेक्शन में से बनाना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन सारे पार्टों के असेंबल करें। असेंबल करने के बाद से इनका जो है लोअर हाफ इन सेक्शन में बनाएं और इसका साइड व्यू बनाएं। इतना हमें करना है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये असेंबल करने के बाद से ये कैसा दिखेगा। सबसे पहले जब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सॉकेट बनाएंगे, उसके बाद इसको स्पिगॉट को उठा करके इसमें लगा देंगे। इसके बाद क्वार्टर को हम ऊपर से इसमें फिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये किस तरह से होगा। जैसे कि हमारे पास ये रहा सॉकेट और इसमें हम लोग लगाएंगे स्पिगॉट, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जो है लगा देंगे यहाँ तक, कुछ इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद से ऊपर से हम लोग इसमें क्वार्टर लगाएंगे, ये लगा दिए हम लोग क्वार्टर, ठीक है। तो ये हमारा जो जब ज्वाइंट होके बनेगा, असेंबली बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। यही हम लोग को बनाना है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसे हटाते हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लोअर हाफ इन सेक्शन, इसका क्या मतलब है? और ये भी दे सकता है अपर हाफ इन सेक्शन या फिर हाफ इन सेक्शन, जिसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब हम समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई बेलन है, हम लोग सिंपली बेलन कैसे बनाते हैं, ये है तो ये आगे का गोल हो जाएगा इस तरीके से और पीछे का इस तरह से गोल हो जाएगा, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग में बनाए तो हम लोग जैसे फ्रंट से देखेंगे, इसका फ्रंट व्यू आएगा एकदम इस तरह से सीधा, और जब साइड व्यू देखेंगे तो इधर से आएगा ये सर्किल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा साइड व्यू, ठीक। अगर इसे बोला जाए कि लोअर इसे बनाना है लोअर हाफ इन सेक्शन, तो ये कैसे बनेगा, लोअर हाफ इन सेक्शन बनेगा मतलब कि इसका जो है जो पूरा सर्किल आ रहा है, यानी इसका जो ये राउंड है उसको जो है 1/4 जो है कट कर दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा काट के निकाल दिया जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये सामने वाला हिस्सा कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, यानी नीचे वाले भाग में सेक्शनिंग हो जाएगी, तो इसे कहा जाएगा लोअर हाफ इन सेक्शन। अगर इसको 3D इमेज में समझा जाए तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जिसको अगर हम खड़ा कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन करके आएगा और ये ऐसे कटा हुआ होगा, ठीक है। तो 1/4 जब काटा जाए और नीचे वाला भाग काटा जाए जिसे बोलेंगे लोअर हाफ इन सेक्शन। एकदम फिर से इसी को बनाया जाए, इसका फ्रंट भी बनाया और इसका साइड भी बनाया जो कि सर्किल आ रहा है, ऐसे ऊपर से काट दिया गया इस तरीके से जिसे बोलेंगे अपर हाफ इन सेक्शन। तो इसके ऊपर के भाग कट गया है तो यहाँ पे जो है सेक्शन वाली लाइन खींच दी जाएगी, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि हाफ सेक्शन, जब हाफ सेक्शन बोला जाएगा तो उसमें क्या होगा, फिर से हम बना रहे हैं फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। तो अगर बोल जाएगा हाफ सेक्शन है पूरा तो आधा भाग कट के निकल जाएगा, अब बचेगा हमारे पास बस आधा ही भाग, क्योंकि ये आधा भाग पूरा कट के निकल गया है तो यहाँ पे पूरे की सेक्शनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारा, ये फुल सेक्शन बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फुल सेक्शन, ठीक है। जिसमें 1/4 काटा जा रहा है उसको बोला जा रहा है हाफ इन सेक्शन, और जिसको आधा काट दिया जा रहा है 1/2 उसको बोला जाएगा फुल इन सेक्शन। इस बात को हमेशा याद रखना है।
तो जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है, इसमें दिया गया है लोअर हाफ इन सेक्शन, मतलब कि आधा काटना है, नीचे के भाग को आधा काटना है, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फुल सेक्शन का, फुल सेक्शन सॉल्व करेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए। उसके बाद तब हमें लोअर और अपर हाफ इन सेक्शन भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फुल सेक्शन में सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हाफ में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम लॉस किए हुए इसे ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन, एक एक्सिस की एक्सिस जो है हम लोग ड्रा कर लेंगे। एक्सिस ड्रा करते हैं किनारे से, इस बार पेन से बनाएंगे। बहुत लोगों की कंप्लेन रही है कि पेंसिल से विजिबिलिटी साफ नहीं होती, दिखाई नहीं देता, बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इमेज को लाते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 32 दे रखा है, 32 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले बॉक्स को बना लेंगे, तो काफ़ी इमेज हमारा बनाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से तक 32 है, तो ये 16 और ये 16 हो जाएगा सेंटर से। और यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से 60 + 20 मतलब कि 85 है। तो 85 के बाद से फिर 16 और फिर 16 लेकर के हम बॉक्स को बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 16 mm की लाइन खींचते हैं, ये हो गया 15 और ये हो गया 16। इसके बाद से फिर यहाँ 15 और 16 हो गया, उसके बाद से 85 नापेंगे इधर, 85 यहाँ पर आया, यही काम यहाँ भी करेंगे हम। जहाँ पे आया वहाँ से हम 16 ऊपर और 16 नीचे नापेंगे। हो सकता है कि आपके बुक में जो नाप दिया है, मेजर दिया है, वो थोड़ा सा अलग दिया हो, तो पर कोई बात नहीं, जो बनाने का तरीका है वो यही होगा। आप बनाना कहीं से भी अपने सुविधा के अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पेन नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है। उसके बाद से हम फिर इसको भी मिला लेंगे। ये हो गया, देखिए ये अंदर वाला जो है ये पार्ट बन के आ गया है। उसके बाद बाहर वाला देखें तो ये जो है 44 का, यहाँ से यहाँ तक ये 44 है, यानी 22 सेंटर से, 22 इधर और 22 इधर, और इस वाले लाइन से जो हमने खींचा है इसे 20 mm हट करके है। हम इस वाले लाइन से 20 mm जो है इधर जाएंगे, यहाँ से 20 mm इधर जाएंगे और वहाँ से 22 ऊपर और 22 नीचे, यहाँ से रखे 10, 20 और 2 mm और ये हो गया 22। इसी प्रकार 10, 20 और 2 mm और ये हो गया 22। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसी प्रकार से देखें कि 25 mm छोड़ने के बाद से तब ये यहाँ तक ये आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm छोड़ेंगे, यहाँ से 25 mm छोड़ने के बाद से ये रहा 25 हमारा, छोड़ने के बाद से फिर से हम 22 22 का लाइन खींचेंगे, ये हो गया 16 20 और 2 22 पे हम पॉइंट कर लेंगे और यहाँ भी 10 20 22 पे हम पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और ये जहाँ तक आ रहा है इसको वहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब ये वाला चीज बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 64, यानी कि सेंटर से 32 और 32 हम ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग 32 लेंगे, यहाँ से 32, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यही काम यहाँ भी करते हैं हम। यहाँ से ये हो गया हमारा 32, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद से ये वाली दूरी 25 है, तो हम 25 ले लिए, 25 हमारे यहाँ तक आ गया, यही काम ऊपर भी करेंगे, हम 25 ले लेंगे।
ऐसे आपस में मिला देंगे। यहाँ तक और इसे यहाँ तक, ठीक है। अब देखेंगे कि यह हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ये इधर वाला हिस्सा, जो कि कितना है 25 है इसकी लंबाई। हम कुछ भी ले सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। तो हम यहाँ पर 25 हम नाप लेते हैं, 25 पूरा है, यानी कि 12.5, 12.5 मतलब कि हम इसको 12 लेके बनाएं। ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे 12, ठीक। इसको हम लोग 15 mm आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसको हम फ्री हैंड जो है इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया। अब ये हमारी ड्राइंग पूरी तरह से, सॉकेट की ड्राइंग जो है यहाँ पर देखेंगे, सॉकेट की ड्राइंग जो है पूरी तरह से बनके तैयार है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या बनाएंगे, और इसमें जो है स्पिगॉट को लगाना है। तो स्पिगॉट को लगाने में क्या देखना है कि इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 25 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 22 है। मतलब कि ये जो होल हुआ है इसके अंदर वो 3 mm पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। 3 mm पहले रुक जाएगा, और ये कॉलर जो है जा करके यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि कॉलर बड़ा है। और यहाँ देखेंगे तो इस कॉलर की जो मोटाई है वो 12 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कॉलर की वो 44 mm है, 544, क्योंकि राउंड है, ठीक है, ये 44 है। तो अब इसको हमको इसमें लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 44 mm, 44 mm नापेंगे। 44 जब नापेंगे तो देखें 22 ऊपर और 22 नीचे होगा, तो यहाँ पे हो गया 22 और यहाँ भी हो जाएगा ये 22। अब 12 mm क्या है, वो उसकी मोटाई है, तो हम यहाँ से 12 mm नाप लेंगे। यह हो गया 10 और 2 12, और यहाँ पर भी नापेंगे तो यह आ जाएगा 10 2 12, और इसे आपस में मिला देंगे। एक मिनट, इसे आपस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला हिस्सा स्पिगॉट का जो है ये वाला हिस्सा इसमें बनाएंगे, जो कि वो भी 22 पर ये है। इसे हम लोग बनाते हैं 22, सॉरी 25 पे है, तो 25 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 इधर खींच लेंगे, यहाँ पॉइंट करेंगे, और 12 ही 12.5 करना है, तो हम लोग 12 ले रहे हैं यहाँ पर। और जो है 15 mm आगे की तरफ इसको बढ़ा लेंगे हम लोग। ये हो गया, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन को और आगे बढ़ाते हैं, और देखिए अब इसको हम लोग फ्री हैंड ही इसको इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और बस समझने वाली क्या चीज़ है, समझने वाली ये चीज़ है कि जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसका जो होल बना हुआ ये क्वार्टर लगाने के लिए, तो यहाँ से 22 पर इसका होल बना हुआ है, जबकि ये जो बना हुआ है इसका कॉलर वो 25 mm, मतलब 3 mm पहले ही इसका होल होगा। हम लोग कुछ खास नहीं करना है, बस इसके 3 mm पहले लाइन को खींच देना है, ताकि जो है वहाँ पे सॉकेट नहीं आएगा। देखो 1 2 और 3, ठीक है। इसी पे हमें एक जो है लाइन इस तरीके से खींच देना है, ठीक। अब देखिए, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस पर क्वार्टर लगा देंगे, ठीक। क्वार्टर की लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है, वो कितना है वो दिया है। इसकी टोटल लंबाई जो है 100 है, और नीचे का जो हिस्सा आएगा वो 26 है, और ऊपर का 34 है। और एक हिस्सा सीधा होता है, एक ही हिस्सा इस पर टेपर होता है,
और इसकी जो मोटाई है क्वार्टर की जो मोटाई है वो 6 mm है। ठीक है, तो मोटाई से फिलहाल मतलब नहीं है फ्रंट व्यू में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है 100 है, तो सेंटर से 50 ऊपर और 50 नीचे और इसे टच करते हुए हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 mm यहाँ रखे, 5 यहाँ पर है और 10 तो नीचे तक ले जाएंगे यहाँ तक और यहाँ तक। इसको हम सीधे जो है खींच लेंगे इस तरीके से, इसलिए अब क्या करना है, और 26 नीचे है तो हम यहाँ से रख करके 26 mm जो है मिला लेंगे इस तरीके से, और ऊपर का 34 है तो हम ऊपर का 34 इस तरीके से खींच लेंगे और इसे आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक, आप देखिए अब ये ऊपर जो है फ्री हैंड ही या फिर कंपास का यूज करते हुए आप इसका हेड जो है इस तरीके से बना लेंगे, नीचे का भी इस तरीके से बना लेंगे। ये हमारे ड्राइंग जो है ये बनके तैयार हो गया है, इसमें बस हैचिंग करना बाकी रह गया है। तो आइए हैचिंग फटाफट कर लेते हैं। देखिए दो मटेरियल इसमें है, एक हमारा एसपी गॉट है और एक सॉकेट है, दोनों में ही हैचिंग होगा और दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अगर एक का इंक्लाइंट इस तरीके से दिया गया है, दूसरे का इंक्लाइंट तब इस तरीके से दिया गया है, ताकि ये मालूम चले कि इसमें दो मटेरियल लगा हुआ है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि स्पी गॉट पूरा अंदर तक गया है और कहाँ जाकर रुका है, इसमें 2 mm पहले या फिर 3 mm पहले एक और लाइन खींच लेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो है स्पी गॉट यहाँ पर आके रुक गया है। ठीक है, अब हम इसे बनाना हैचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा हैचिंग हो गया है। इसमें दो पार्ट है, पहला हमारा जो ये वाला है ये हमारा है सॉकेट, और दूसरा हमारा ये है स्पिगॉट, और तीसरा जो हमारा पार्ट लगा हुआ है वो है हमारा क्वार्टर। तो क्वार्टर की हैचिंग ये करेंगे, बाकी दोनों पार्ट का जो है हैचिंग कर देंगे, और डिफरेंट है, एक मटेरियल का एक एंगल पे, दूसरे मटेरियल दूसरे एंगल पे, ताकि स्पष्ट रूप से मालूम हो कि कौन सा मटेरियल कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, अब बस इसका साइड व्यू बनाना रह गया है, तो फटाक से उसे भी खींच लेते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास इधर स्पेस हो इधर बनाइएगा, हमारे पास यहाँ स्पेस है तो हम इसको इधर बना देते हैं। सबसे पहले इस तरीके का वर्टिकल लाइन खींच लीजिएगा, इसको एक्सिस को बढ़ा करके, ये बहुत ईजी है इसका साइड व्यू बनाना। इसके बाद इसका कंपास उठाएंगे, कंपास लेने के बाद से क्या करना है बहुत ही आसान है, जब हम साइड से देखेंगे पहले हमें ये दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे इसका रेडियस ले लेंगे, शाफ्ट का रेडियस ले लेंगे और यहाँ पर रख करके एक साइकिल हम इस तरीके से बना देंगे। ठीक, इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से ये वाला साइकिल हमें दिखाई देगी कॉलर वाली, तो कॉलर वाली सर्किल हमें बना देनी है। इसके बाद से ये बड़ी वाली दिखाई देगी, तो ये भी हमें यहाँ रख के बना देनी है। ये बन गया, तीन सर्किल बन गया, एक इसका और एक इसका और एक इसका। उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये इसी पर आ जाएगा और ये भी इसी पे आ जाएगा। और उसके बाद हमें ये क्वार्टर दिखाई देगा जिसकी मोटाई 6 mm है और ऊंचाई जो है ये 10 mm, 100 mm है, 10 mm की मोटाई पर। इसकी मोटाई 6 mm है, सेंटर से 3 mm इधर हो जाएगा और 3 mm इधर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 10 mm है, तो 5 इधर और 5 इधर, सीधा में रख करके
इस तरीके से उसको यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। अंदर इसके डॉटेड होगा ठीक है, बाहर क्लियर होगा, क्योंकि इसके अंदर गया है तो अंदर जाने वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा और बाहर वाला दिखाई देगा। जितना तेज को यहाँ तक क्लियर, उसके बाद से सब डॉटेड होगा, डैश डैश लाइन से दिखाएंगे, उसके बाद से यहाँ तक ये क्लियर होगा ठीक है। इसको यहाँ से मिला लीजिए ठीक। उसके बाद से इसको ऐसे इसको इस तरीके से ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया स्पीगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट। कहाँ पर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। इस बार हमने पेन से ही बनाया है ताकि विजिबिलिटी बनी रहे ओके। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आया तब पर भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।